हेलो क्लास टू चिल्ड्रेन, हाउ आर यू चिल्ड्रेन? टुडे आई विल टीच यू मैथ शेप्स। टॉपिक हमारा क्या है? शेप्स। चिल्ड्रेन, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में शेप्स पढ़ाया था ना, आज मैं फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है चिल्ड्रेन? इसके लिए आपको कुछ बातें फिर से ध्यान देनी है और जो बातें मैंने आपको बताई थी उसको आपको रिकॉल भी करना है, ठीक है चिल्ड्रन? तो देखिए, यहाँ पर शेप्स में सबसे पहले आपको मैं रेक्टेंगल्स के बारे में बताऊंगी कि ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हो, इसका सबसे ऊपर जो अप वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर, और उसके बीच से जो लाइन खींची हुई है जो अटैच करते हुए नीचे तक गई है उसको हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है? तो सब में ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कॉर्नर और इसका ये साइड है, ठीक है? तो रेक्टेंगल का स्पेलिंग भी देख लो। उसके बाद दिस इज़ अ रेक्टेंगल, इट हैज़ फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें फोर कॉर्नर्स है और इसमें फोर साइड्स है और इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लीजिए ये ऊपर का जो लाइन होगा, अप का जो लाइन होगा, वो अगर 3 मीटर वो लॉन्ग है तो नीचे का डाउन वाला जो लाइन है वो भी क्या होगा? 3 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसकी अपोजिट साइड होगी जो वो इक्वल होगी, ठीक है चिल्ड्रन? तो ये रेक्टेंगल्स का ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगी। स्क्वायर का शेप देखो किस तरह से है। स्क्वायर का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। जब भी आप स्क्वायर बनाओगे तो अच्छे से बनाना इसका क्या है, दिस ये क्या है? स्क्वायर है। इसमें भी वही बात है, ये ऊपर वाला जो है वो कॉर्नर है और जो लाइन खींचा हुआ है जिससे अटैच है सारा कॉर्नर वो है साइड। तो दिस इज अ स्क्वायर, इट हैज़ फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। इसमें फोर साइड्स हैं और फोर साइड्स जो हैं वो सब क्या हैं? इक्वल हैं। मतलब चारों साइड जो हैं वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? चारों साइड्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे, ठीक है चिल्ड्रन? तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर कोई थिंग्स हो, अगर कोई पूछे थिंग्स है तो इसका कितना लेंथ होगा, तो कंफ्यूज मत करना और झट से इसका 4 इंटू और जितने साइड होंगे उतना बता देना आपको, ठीक है? क्योंकि इसके चारों साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ओके, अब मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगी। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का क्या होता है? ट्रायंगल में भी पहले इसमें ऊपर कॉर्नर है और इससे नीचे जो लाइन खींची हुई है ये साइड है, ठीक है? तो इसमें 3 साइड्स होते हैं और इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। इसमें साइड्स भी डिफरेंट होंगे और इसका कॉर्नर 3 होगा, ठीक है? इसमें सेम नहीं होंगे, इसमें अलग अलग होंगे। ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है? इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। इसमें 3 साइड्स होंगे और 3 कॉर्नर होंगे, ठीक है चिल्ड्रन? अब मैं आपको ओवल के बारे में बताऊंगी। ये क्या है? ओवल, ये ब्लू कलर का जो है वो है ओवल। दिस इज़ एन ओवल शेप, इट हैज़ नो साइड्स और कॉर्नर्स। इसमें कोई साइड्स नहीं होंगे और इसमें कॉर्नर भी नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सीधे ओवल है ना? तो इसको हम लोग ओवल बोलेंगे। और ओवल का एग्जांपल क्या होगा? एग। और ये क्या है? सर्कल। सर्कल में देखो ये पूरा गोल है, जैसे पापा का हम लोग के पास जो क्वाइन होता है, देखते हो गोल होता है, बिंदी होती है वो गोल होती है, उसी तरह से ये गोल है पूरा। तो इस ये गोल जैसा है और ये अंडाकार जैसा है। ओवल मतलब अंडाकार होता है, ठीक है? तो अब हम सर्कल के बारे में बताएंगे। दिस इज़ अ सर्कल, इट हैज़ नो साइड्स और कॉर्नर। इसमें भी साइड्स नहीं होंगे और कॉर्नर नहीं होंगे, ये सिर्फ होगा सर्कल में नो साइड्स एंड नो कॉर्नर, ठीक है चिल्ड्रन? अब आपको इस ये बुक में कुछ वर्क दिए गए हैं, क्लास वर्क। हाउ मेनी कॉर्नर्स एंड साइड डू ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव, काउंट एंड राइट। इसमें क्या करना है आपको?
प्लेन शेप दिया हुआ है, कॉर्नर लिखना है और साइड लिखना है। इसमें आप काउंट कर लोगे कितने कॉर्नर होंगे वो लिख दोगे और कितने साइड्स होंगे वो लिख दोगे, ठीक है। इस तरह इसमें जितने भी पिक्चर्स दिए हैं इसको देखकर इसमें फिल करना है आपको, ठीक है चिल्ड्रन। अब नीचे देखिए, आपको नीचे क्या करना है, आपको यहाँ पर शेप्स का नेम दिया गया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल। इसमें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको इसमें ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। जैसे चिल्ड्रेन आपको मैं बताती हूँ, जैसे मैं आपको शेप बताई हूँ तो शेप में मैं आपको बर्थडे कैप ले लूँगी, ठीक है, और क्वाइन ले लूँगी, ठीक है। तो उसको देखकर आपको बताना है, इसमें आपको उसको देखकर और शेप को रिकॉल कीजिएगा कि एक शेप आपने पढ़ा है, और थिंग्स को देखकर आपको उसके थिंग्स का नाम लिख देना है कि रेक्टेंगल में कौन सा नाम होगा, स्क्वायर में कौन सा होगा, और ट्रायंगल में कौन सा नाम होगा, और सर्कल में कौन सा नाम होगा, और ओवल में कौन सा नाम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है चिल्ड्रेन। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस इतना आप वर्क करके रखोगे नोटबुक में, इसको बुक में ही बनाना है और बुक में कंप्लीट करके रखना है, और शेप को आप लोग बार बार खुद से ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करके अपने कॉपी में शेप्स का नेम लिखोगे और शेप ड्रॉ करोगे, ठीक है चिल्ड्रन। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, ओके बाय बाय।